हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मनाली के फर्स्ट डे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है कि हम लोग हिडिंबा टेंपल के बाद कहाँ गए घूमने के लिए। तो हम लोग आ गए थे मनाली के वन विहार में, और यहाँ पे पता नहीं क्या था तो हम लोगों ने टिकट कटाई, फिर अंदर आ गए। तो यहाँ पे मनाली में सारे जगह जो फोटोग्राफर थे फ़ोटो के लिए, और जो हिमाचली कॉस्ट्यूम था उसके लिए पूछ रहे थे। तो हम लोग का फ़ोटोशूट भी हो गया और हम लोग ने कॉस्ट्यूम भी पहन लिया। तो हम लोग को अब नहीं पहनना था, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए आगे। और ये गार्डन टाइप सा लग रहा था मुझे, कुछ ऐसा लग रहा था जंगल को गार्डन में कन्वर्ट कर दिए हैं, और उसी में झूले वगैरह और कुछ कुछ लगा दिए थे, जिससे एक अच्छा मतलब आपको घूमने का मन है तो आ सकते हैं। कुछ खास यहाँ था नहीं, और छोटा सा तालाब था जिसमें लोग बोटिंग कर रहे थे, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत नहीं है कि बोटिंग कर सके। अगर धूप निकलता तो बात अलग होती। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था वहाँ पे, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो बनाया। वॉइस रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रही हूँ। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड नीचे आ गए देखने के लिए कि नीचे में क्या है ऐसा, और चारों तरफ जंगल जंगल ही बस दिख रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर गए कि देखने के लिए आगे घूमने के लायक क्या है। और फिर उसके बाद कुछ खास तो यहाँ पे ऐसे लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम जा रहे थे, और यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही थी, मेरी तो जरा से भी हिम्मत नहीं थी कि बोटिंग के बारे में सोच सकूँ। जंगल झाड़ी में लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे कृपया नदी के पास ना जाए, नदी का बहाव तेज होने के कारण दुर्घटना हो सकती। मत जाओ ना यार, नदी के पास ना जाए, ऐसा बोल रहा है। सुनो ना, सुनिए, अभी घूमो और यहाँ का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए, और फिर देखते कि और आगे क्या था। तो फिर हम लोग को कुछ ऐसा खास लगा नहीं, चारों तरफ जंगल जंगल था। फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए, फिर उसके बाद हम गए बाहर देखने के लिए कि बाहर क्या है। तो बाहर मॉल रोड था, ये पूरा मॉल रोड है, और इसी के बगल में ही था वन विहार। और फिर उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, भूख भी लग रही थी, तो हमने उन्होंने खाया पानी पूरी। फिर उसके बाद खाए स्वीट कॉर्न, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मेरे हस्बैंड बैठ के वहीं पे अंकल के साथ बातचीत करने लगे। भुट्टा खाने के बाद हम लोग गए बौद्ध मठ में, और ये आप इसे बौद्ध मंदिर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे बौद्धिस्ट होते हैं जो शिक्षा लेते हैं। और ये मनाली का काफ़ी प्रसिद्ध जो बौद्ध मंदिर है, कुल्लू मनाली के सर्वाधिक जो बौद्ध शरणार्थी हैं वो यहीं पे ही बसे हुए हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये बैल जैसा कुछ था, इसे घुमाने से जो और विश मांगने से विश पूरी होती है ऐसा कहा जाता है, और कुछ मंत्र भी था उसको बोलते हुए इसे घुमाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंदर से दर्शन वर्शन करके आ गए सब चीज़। फिर उसके बाद लगी थी भूख, तो हम लोगों ने खाया मनाली का लोकल डिश। ये मनाली का लोकल और फेमस डिश सिड्डू है, और ये हमारे जो हमारे साइड में गोइठा और फरा वगैरह बोलते हैं, तो ये उसी टाइप में था। और इसमें जो स्टफिंग होती है, हमारे यहाँ दाल की स्टफिंग डालते हैं, तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट की स्टफिंग थी, और इसे दो चटनियों के साथ दिया जाता है। खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और तो मैंने ये फर्स्ट टाइम खाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद हम खाने दोनों जन ने खाया। फिर इसके बाद हम आ गए मॉल रोड की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मॉल रोड है, और काफ़ी फेमस जो मार्केट बोल सकते हैं आप मनाली का, और आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा मॉल रोड करके। और यहाँ पे जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत जैसे जैसे शाम हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रही थी। फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा, यहाँ पर मनाली में जो गर्म कपड़े होते हैं और जो लकड़ी के चीज़ें होती हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर इसके बाद हम लोगों ने आया तो यहाँ पे देखे गरम गरम केसर दूध, जलेबी, गाजर का हलवा,
ये सब मिल रहा था सुनो और ना, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, तो हम इधर लोग देखो, आगे आ गए और हम लोगों ऐसे ने पकड़ना ना, मेरा घूमा वीडियो बना मॉल लो। रोड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने वीडियो वीडियो बनाया कि फिर उसके बाद हम लोग चले गए अपने होटल में, और हमारा डिनर का भी टाइम हो गया था और बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने डिनर किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना डिनर लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बूफे में काफ़ी अच्छी 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 चीज़ें थी। फिर मैं गई लेने के लिए, और मैं ज़्यादा डिश मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती हूँ, मुझे जितनी भूख रहती है और जो चीज़ मैं खाती हूँ सिर्फ वही लेती हूँ। तो मुझे जो जो वहाँ पे खाना था, राइस, सब्जी, दाल मैं और चपाती, तो मैं वो लेके आ गई। फिर हमने बैठ के किया साथ में डिनर, फिर उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।